छोटे छोटे बच्चे बताते, ये फलाने का घर है, ये बाग है, पूरी जगह बताते। राम जी मुस्कुराते जाते, पूरे नगर के लोग गली गली में खड़े हैं, दरवाजों पर खड़े हैं, वहां की रानियां, मिथिला रानियां खड़ी हुई हैं, सब सखियां खड़ी हैं, लेकिन अष्ट सखी का वर्णन एक जगह बड़ा प्यारा आया। आठ सखियां, आहा, जानकी जी की ही वो आठ सखियां हैं। आठों सखियां खड़ी हुई हैं ऊपर छत पर, और राम जी तो सीधे हैं, हमारे कन्हैया जी तो नटखट थे, यहां भी देखते थे वहां भी देखते, ऊपर वालों को यहां घुसराओ घुसराओ कल्याण हो गए। राम जी इतने सीधे कि वो नीचे देख रहे चले जा रहे। सखियां बोली, रूप तो बड़ा सुंदर पर मुख नहीं दिख रहा। एक सखी बोली, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। बोले क्या? बोली मुख तो हम दिखवा देंगे। वो आपस में आठों सखियां खड़ी हैं, वो आपस में बात कर रही, बोले ये ऊपर भी देखेंगे, वो बढ़िया से चेहरा भी इनका दिख जाएगा। अच्छा, ऐसा संभव है? अरे बिल्कुल संभव है। एक सखी बोली, एक काम करो, इनके बाप को नाम लो, इनके पिताजी का नाम लेंगे, अपने आप ये अपने आप देखेंगे कि ये कौन है जो हमारे पिताजी को जानता है। तो सखी बोली, तुम्हें पता है? बोले हमें पता है। तो एक सखी ऊपर से बोली, छत के ऊपर खड़ी खड़ी क्या बोली, ए दो दशरथ के डोटा। ये सखियों, ये जो दोनों जा रहे हैं ना बड़े सुंदर से, ये दोनों के दोनों दशरथ जी के बेटा हैं। लक्ष्मण जी बोले, सरकार ऊपर देखो ऊपर। राम जी बोले, नीचे देखो नीचे देखो नीचे। अरे लक्ष्मण जी बोले, सरकार हम तो नीचे ही देख रहे हैं, पर देखो तो कोई अपने पिताजी का नाम ले रहा। राम जी बोले, लेने दो, चुप रहो, चलो सीधे नीचे देखो। राम जी नहीं देखे, सब सखियां उसके ऊपर चढ़ गई, लो 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 लो, नहीं देखे नहीं देखे, बाप का नाम लेने के बाद भी नहीं देखे। दूसरी सखी बोली, रुक जा, हम अभी बताते हैं। बोले क्यों? बोले एक काम करो, इनके गुरु जी का नाम लो, तो अपने आप समझ जाएंगे कि इनके पास पूरी कुंडली है। गुरु जी को तो सब डरते हैं, ये भी अपने गुरु जी को डरते हैं, तो गुरु जी का नाम लो। दूसरी सखी ने गुरु जी का नाम लिया, मुनि कौशिक मख के रखबारे, जिन रन अजिर निसाचर मारे। दूसरी सखी बोली, अरे सखियो, ये वही दोनों राजकुमार हैं जो कौशिक मुनि के साथ आए हैं। अरे तुम्हें इनके बल का पता नहीं है, इन्होंने बड़े 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 राक्षसों को मार दिया। लक्ष्मण जी बोले, अब तो देखो गुरुजी लो पहुंच गई बात। राम जी बोले, चुप, सीधे चलो। नो 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 नो, नेवर, नहीं। सखियां आपस में कहती हैं, बताओ ये तो देख ही नहीं रहे, गजब हो गया। तीसरी सखी बोली, एक काम करते हैं, हमें इनकी माताजी का नाम आता है, हमने इनकी कुंडली निकाल ली, इनकी माताजी का नाम लो, अपने आप देखेंगे कि कुंडली लेकर बैठी है ये तो सब। तो तीसरी सखी माताजी का नाम लेती है। तीसरी सखी क्या कहती, कौशल्या सुत सो सुख राज खानी, कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। सखी बोली, ये जो आगे जा रहे जिनका सांवला सा रूप है, ये कौशल्या के बेटा है। लक्ष्मण जी बोले, लियो पूजनीय माता जी की भी कुंडली करे आई। राम जी बोले, चुप, नहीं देखना है। तो सखी चौथी बोली, इनका नाम लेकर पुकारते हैं, नाम लेके बुलाएंगे, अपने आप देखेंगे, अब तो पक्का है। तो जोर से बोली चौथी सखी, नाम राम धनु सायक पानी, इनका नाम राम है। लक्ष्मण जी बोले, आपको बुला रही? राम जी बोले, चुप रहो, हम नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे तो नहीं देखेंगे। तो पांचवी सखी बोली, अच्छा एक काम करो, शायद बगल वालों का नाम लो तो इनके चक्कर में देखे। तो बोले, तुम्हें पता है क्या? बोले हाँ, इनके बारे में जो पीछे चल रहे, इनके जो गोरे 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 है ना बड़े प्यारे से, ये इनसे भी हमारा पर, इनके भी बारे में हम जानते। अच्छा क्या जानती हो बताओ? गौर किशोर भेसु कर कांचे, कर सर चाप राम के पास।
लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता सुन सुख तासु सुमित्रा माता। ये जो राम जी के पीछे चल रहे गोरे 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 धनुष लेकर के जा रहे, इनका नाम लक्ष्मण है, इनकी माता जी का नाम सुमित्रा है। लक्ष्मण जी बोले हम तो देख रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी क्यों कुंडली खोल रहे हैं, इनको प्रॉब्लम है। अब जब सखियां निराश हो गई, राम जी नहीं देखते, अब सखियां निराश हो गई, तो एक चतुर सखी थी बोली एक काम करो। बोले क्या? ऐसे नहीं देखेंगे, आहा हा, क्या किया जाए? सखियां बोली फूल लाओ। फूल लाई सखियां और पुष्प ला करके सब सखियां ऊपर से हिय हर सही बर सही सुमना सुमख सुलोचनी ब्रंद जाहि जहां जय बंदी दो तह तह पर राम जी के ऊपर सुमन बरसाने लगी। और जो ही सुमन बरसाए सोई राम जी ने देख दिया। सुमन बरसाने पर क्यों देखा? सुनिएगा, राम जी पिता के नाम से, गुरु के नाम से, माता जी के नाम से नहीं देखे। सुमन जब ही हर सही बर सही सुमन है, सुमन का अर्थ क्या? जब सखियों ने अपना सुंदर मन ही राम जी के ऊपर चढ़ा दिया, तब राम जी ने सखियों की तरफ निहारा। मतलब राम जी सुंदर मन देख करके ही देखते हैं। कोई कितना भी सुंदर बना रहे महिमा स्तुति, कितना भी ज्ञानी बना रहे, राम जी उनकी तरफ नहीं देखते। जो ध्यानी हो जाता है राम जी उसकी तरफ देखते हैं। क्योंकि आज की कथा किस पर है? ध्यानी पर। तो ही हर सही बर सही सुमन, जब अपना सुंदर मन ध्यान करके प्रभु के चरणों में चढ़ा दिया, तब राम जी ने देखा। आहा।